यूके के शहर में मंदिर से झंडा उतारते उपद्रवी का वीडियो वायरल, पुलिस बोली छोड़ेंगे नहीं। यूनाइटेड किंगडम के लीसेस्टर में शुक्रवार रात यानी 16 सितंबर को जमकर हिंसा हुई। यह हिंसा 28 अगस्त से चल रही है क्योंकि इसी दिन एशिया कप में भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था और भारत ये मैच जीत गया था, जिसके बाद से ही कुछ कट्टरपंथियों ने दूसरे धर्म के लोगों और उनके घरों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। घटना के बाद पुलिस अधिकारियों को भी सड़कों पर उतरना पड़ा ताकि हिंसा को शांत करवाया जा सके। बताया जा रहा है कि हिंसा दोनों पक्षों की तरफ से हो रही थी। इन सभी के बीच कुछ कट्टरपंथियों की भीड़ ने पुलिस के सामने मेल्टन रोड पर बने मंदिर के भगवा झंडे को उतार दिया और जमीन पर फेंक दिया था। इस मामले में अब लीसेस्टर पुलिस ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा, हमने मेल्टन रोड पर मंदिर से झंडा हटाने वाला वीडियो देखा। हमें ऐसा लगता है कि जब पुलिस अधिकारी आसपास के हिंसा से निपट रहे थे तब ये हुआ है। हम हिंसा या अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं करते हैं और हम घटना की जांच कर रहे हैं। हिंसा का ये वीडियो शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, लीसेस्टर में एक धर्म से जुड़े लोग दूसरे धर्म को लोगों का शिकार करते हैं और दोनों समुदाय के बीच तनाव बना रहता है। एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा, लीसेस्टर में सैकड़ों नकाबपोश लोगों के बीच संघर्ष के रूप में जातीय हिंसा भड़क गई है। पुलिस ने शांति और संयम का आग्रह किया है और इसमें कम्युनिटी लीडर्स को लोगों को समझाने का निवेदन किया है। लीसेस्टर के स्थायी नागरिकों को घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं। इंग्लैंड एक युद्ध का मैदान प्रतीत हो रहा है। आपको बताते चलें कि 28 अगस्त को एशिया कप मैच में भारत द्वारा पाकिस्तान की हार के बाद लीसेस्टर शहर में हिंसा भड़क उठी थी। आरोप है कि पाकिस्तान का समर्थन करने वालों ने दूसरे पक्ष के लोगों को निशाना बनाया। घटना के एक हफ्ते बाद घटना के कई वीडियो वायरल हुए। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से निपटने की कोशिश कर रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुंचे।